हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल। और आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत सारी खुशखबरी मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों। इसमें टोटल 10 अपडेट हैं और कुछ इम्पोर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों, तो वो भी आप जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहली खुशखबरी से दोस्तों। ये है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, डिस्कस्ड विद PCEE, अप्रूव्ड हो चुकी है दोस्तों ये नोटिस, जो कि आज ही के दिन अप्रूव्ड हुआ है 10 जुलाई 2020 की डेट में। इसमें ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल यानी कि ZRTI को रीओपनिंग करने के लिए ये नोटिस है दोस्तों। सब्जेक्ट देखिए इसका आप, ओपनिंग ऑफ जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल सेंट्रल रेलवे। इन्होंने 15 जुलाई से स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को शेड्यूल मिल भी चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं कंप्लीट लिस्ट। इसमें इन्होंने जो MHA की गाइडलाइन आई थी अनलॉक 2.0 की, जो कि 29 जून 2020 की डेट में आई थी, मैंने उसी दिन बताया था आपको कि रेलवे बोर्ड ने सभी RRB को ये नोटिस भेज दिया है, और अब धीरे धीरे सभी RRB इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और ये NWR ने पहले ही कर लिया दोस्तों, ये आप सेंट्रल रेलवे ने भी कर लिया आज की डेट में, तो इन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया दोस्तों। ये देखिए इसमें 15 जुलाई 2020 की डेट से इन्होंने स्टार्ट कर दिया दोस्तों वेरियस कोर्स। इन्होंने देखिए इनिशियल ALP और तीसरे नंबर पे भी इनिशियल ALP हैं अलग अलग डिवीज़न के, और इसमें प्रमोशनल गार्ड भी हैं, और फिर उसके बाद फिर इनिशियल ALP हैं दोस्तों, और छठे नंबर पे इनिशियल JEE PV की भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है सोलापुर और नागपुर डिवीज़न की। ये देखिए इसमें 20/7/2020 की डेट से PVA की भी ज्वाइनिंग इन्होंने, जो पहले कैंडिडेट बचे हुए थे दोस्तों उनका ही शेड्यूल है ये, जिनके कुछ दिन बचे हुए थे, तो आप ये कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं आज ही के दिन आई है दोस्तों। तो आपके जोन से भी ये नोटिस आने वाला है, तो वैसे ही मैं जैसे ही वो नोटिस आएगा दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको इंटीमेट कर दूंगा, तो चैनल से बने रहिए दोस्तों। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी खुशखबरियां लेके आया हूं दोस्तों मैं आपके लिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, और इनमें उन कैंडिडेट के लिए भी जानकारी दी गई है। एज प्लान्ड अबव पेंडिंग कोर्सेज विद द कंप्लीटेड बाय 10 दिसंबर 2020 की डेट, ये 10 दिसंबर 2020 की डेट तक जो बाकी बचे हुए कैंडिडेट है दोस्तों उनको भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करवा लेंगे, जो सेंट्रल रेलवे में ALP सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। टोटल 10 अपडेट की बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग की, तो कॉल रिकॉर्डिंग भी आप जरूर सुनिएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं सेकेंड अपडेट। ये है NCR जोन से, प्रयागराज कार्मिक विभाग सूबेदारगंज, और इसमें देख सकते हैं आप 8 तारीख की डेट में ये नोटिस आया हुआ है। इसमें जूनियर इंजीनियर ब्रिज जिनको मिला था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की तरफ से, इसका विषय देखिए JEE ब्रिज 4200 ग्रेड पे और लेवल 6 है दोस्तों इनका, इनकी लिस्ट दे दी गई है, और इनकी ज्वाइनिंग डेट देखिए डेट फॉर रिपोर्टिंग हेडक्वार्टर ऑफिस ऑन 16 जुलाई 2020 की डेट में इन 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया दोस्तों, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। NCR जोन से दूसरे कैंडिडेट का भी प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। DRM दिल्ली की तरफ से ट्विटर हैंडल पर रिप्लाई दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ RRB JEE कैंडिडेट्स हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड कैंडिडेट हैव बीन एडवाइज टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन थ्रू द, ये बता रहे हैं कि उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है डिस्पैच करने का। तो ये देखिए कैटेगरी वाइज ज्वाइनिंग डेट विल बी इंटीमेटेड, और 10 जुलाई की आज ही का दिन का ट्वीट है दोस्तों। तो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, 26 जून 2020 की डेट में ये लेटर सेंड किया गया था, और इसका ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर वर्कशॉप इन मकैनिकल डिपार्टमेंट इनको मिला था दोस्तों। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कैंडिडेट हैं, और इनको कारपेंटर ट्रेड मिली थी, मेन का सिलेक्शन हुआ था, तो इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया दोस्तों ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। और ईस्टर्न रेलवे की तरफ से कम 5 से 6 ज्वाइनिंग लेटर आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं, तो जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा दोस्तों तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट, और ये है दोस्तों सेंट्रल रेलवे की तरफ से, इसका सब्जेक्ट देखिए मध्य रेल
के मुंबई मंडल पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS का दोस्तों, ये कैटेगरी नंबर 54 के कैंडिडेट है। इनकी रिपोर्टिंग डेट देखिए दोस्तों, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कार्यालय में 24 जुलाई 2020 को 10 बजे इनको स्वयं के खर्चे पर हाजिर होना होगा। यानी कि इनकी डेट है दोस्तों 24 जुलाई रखी गई है, और यहाँ पे फ्रैंकिंग स्टैंप भी मांगी गई है इनसे, जैसे कि 100 रुपये की लिखी गई है इन्होंने, और ऑल डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी लिस्ट बता दी गई है, अटैच्ड भी है इनके साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये है दोस्तों RRB चेन्नई की तरफ से 12/8/2020 तक की ट्रेन की उपलब्धता न होने के कारण आपको 31/8/2020 की डेट में बुलाया गया, यानी कि तिरुचुपल्ली आगमन के पश्चात राज्य के 14 दिन का क्वारंटाइन इनके लिए रखा गया दोस्तों। पुनमलाई कर्मशाला कार्मिक अधिकारी, ये कैंडिडेट को मैसेज आया दोस्तों आज ही के दिन, और इनको बताया गया है कि आप 12 अगस्त तक नहीं आ सकते, उसके बाद आप 31 अगस्त तक आ सकते हो। तो ये थी साउथ रेलवे की तरफ से एक अपडेट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ये है दोस्तों ट्विटर हैंडल का पे डाला इन्होंने, SRDPO नॉर्दर्न रेलवे लखनऊ फॉर JEE ट्रेनिंग शेड्यूल इज सपोज टू बी रिसीव्ड बाय ट्यूजडे, यानी कि 2 दिन बाद दोस्तों इनको मिल जाएगा JEE का शेड्यूल, और ALP के लिए भी ये एफर्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही इनको मिलता है वो ये प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल फास्ट काम करने लग रहा है SRDPO लखनऊ। तो ये देखिए, कॉल लेटर फॉर टेक्नीशियन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन विल बी स्टार्टेड टू बी डिस्पैच फ्रॉम टुडे, आज से इन्होंने डिस्पैच करने स्टार्ट कर दिए दोस्तों। ZRTI जंदोसी से जैसे ही इनको शेड्यूल मिलेगा दोस्तों, वो ALP के लिए भी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर का ही डिस्पैच होने लग रहा है। ये दोस्तों देखिए नेक्स्ट अपडेट, ये है मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, और ये है जूनियर इंजीनियर का ज्वाइनिंग लेटर दोस्तों, जो कि PVA में इनका सिलेक्शन हुआ था, तो इनकी ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है दोस्तों। इनकी ज्वाइनिंग है 14 जुलाई 2020 की डेट में रखी गई है। तो ये देखिए आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इम्पोर्टेंट कॉल रिकॉर्डिंग, कंप्लीट सुनिएगा। हाँ हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए सर, हम सिविल PVA डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, धनबाद डिवीजन अलॉटेड। नेट पे आपको पता चल जाएगा सारा, वेबसाइट पे भी आ जाएगा एक आध दिन नेट से सर। हाँ वेबसाइट ग्रुप में कोई जाएगा, बोल रहा था कि डिस्पैच हो गया, ऐसे वैसे सब कोई डिस्पैच नहीं हुआ, डिस्पैच मिला वही। थैंक यू सर। जी हाँ सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो सर पूछना ये था कि मैंने कुछ दिन पहले कॉल किया था, तो बताए थे आपकी मतलब ऑफिस से किसी और नंबर पे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो चुका है, लेकिन सर हम लोगों के पास अभी तक आया नहीं है, और ज्वाइनिंग डेट आप लोगों ने बताया था कि 22 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक है। हाँ तो अभी उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, कुछ तो भेज दिए गए हैं, कुछ भेजने बाकी है, कुछ भेजे जा रहे हैं। आज भी मैंने देखा था, आज भी करीब 47 के लगभग कंप्लीट किया है। अच्छा सर, पूछने तो जा रहे हैं वही TRS का, इलेक्ट्रिकल TRS। अच्छा सर, बोल रहे थे ये कि सर 22 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक में ही ज्वाइनिंग है ना हम लोगों का। अब वो आपको डेट मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, और उसकी जो भी फॉर्मेलिटी। हेलो हेलो, यस गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये ALP के ट्रेनिंग का कुछ चल रहा है? ALP का ट्रेनिंग नहीं चल रहा ना सर, कब से स्टार्ट हुआ कुछ आइडिया? अभी तक कुछ आरएस नहीं मिला हमारे को, कब से स्टार्ट करना बोल के। अच्छा आपको कुछ मिला क्या सर? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता कुछ भी, कुछ पता ही नहीं। नहीं हमारा तो नहीं आया, अगर आपके पास आए तो बोले तो हम स्टार्ट करेंगे, कुछ लग रहा है कि तो आए तो सर। वही कोई गृह मंत्रालय की जो अपडेट थी उसी में पूछ रहा था सर कि 15 से कुछ ओपन हो रहा था। गृह मंत्रालय से हमारा संबंध नहीं है ना। हाँ सर ये तो है, हम तो काम कर रहे हैं रेलवे में, रेलवे बोर्ड से कुछ आने का है। हाँ सर ये बात, गृह मंत्रालय तो दे दिया मगर रेलवे बोर्ड तो अभी तक नहीं दिया। गृह मंत्रालय ने तो दिया, इतना टफ है वो SOP भी। वो SOP दिया, SOP वो देने में दे देता, फिर वो सब इधर कर सकता क्या या नहीं कर सकता, रेलवे बोर्ड देखना है ना।
जी, ये बात तो है। अभी इधर गृह मंत्रालय में सिंपल है, इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर को प्रोवाइड करना, हो सकता है कि आप ये प्रोविजन में डॉक्टर